stay safe and take all proper precaution in pandemic situation of COVID-19. Hi everyone, welcome back to my channel. आलू और ब्रेड, इससे हम बहुत सारी रेसिपीज बना सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ इससे बनने वाली बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल 10 मिनट में बनने वाली रेसिपी शेयर करूंगी। तो चलिए हम इस रेसिपी को फटाफट बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज का उबला हुआ आलू लिया है, तो उसे हम मैश करके लेंगे। तो मैंने हाथों से ही इसे मैश कर लिया है। अब हम इसमें बारीक कट किया हुआ प्याज डालेंगे। तो ये मैंने यहाँ पर एक छोटे साइज़ का प्याज लिया है। उसके बाद मैंने हरी मिर्च भी बारीक कट करके ली है। अगर आपको स्पाइसी खाना पसंद नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे बारीक कट किया हुआ धनिया पत्ता। अब इस स्टफिंग में हम कुछ मसाले डालेंगे। तो ये मैंने 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, स्वादानुसार हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर और 1/2 टीस्पून चाट मसाला डालेंगे। ये सब मसाले डालने के बाद हम लास्ट में स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। स्टफिंग हमारा रेडी हो चुका है, तो अब हम इसे साइड में रख देते हैं। और यहाँ पर हमें लेना होगा एक बोल में कॉर्नफ्लावर। आप यहाँ पर मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2 बड़े चम्मच मैंने कॉर्नफ्लावर लिया है, उसमें थोड़े से हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं। चिली फ्लेक्स के साथ साथ यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून चाट मसाला और स्वादानुसार नमक भी डाला है। अब थोड़ा सा पानी डालकर हमें इसकी थिक पेस्ट बना लेनी है। ज़्यादा पानी मत डालिएगा। उसके बाद ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे। आप यहाँ पर ब्राउन ब्रेड भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसके ऊपर हमें ये टमाटो केचप स्प्रेड करना है। टमाटो केचप स्प्रेड करने के बाद हमें इसके ऊपर आलू वाली स्टफिंग रखनी है। तो आलू वाली स्टफिंग हम 1 से 2 चम्मच लेंगे और इसे भी हमें स्प्रेड कर लेना है इस तरह से। उसके बाद हमें इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर वाली लेयर लगानी है। ये मेरा थोड़ा लिक्विडी हो गया था, आप इससे भी थोड़ी सी थिक कंसिस्टेंसी वाला पेस्ट बना सकते हैं। अब इसके ऊपर तो हमने कॉर्नफ्लावर की लेयर लगा ली है, तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर मैंने एक पैन रख दिया है, उसके ऊपर हम बटर को स्प्रेड करेंगे। आप यहाँ पर घी या फिर ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर हम ब्रेड के स्लाइसेस रखेंगे और जिस साइड पर हमने आलू लगाया है उस साइड को हम नीचे की तरफ रखेंगे। इसे हमें दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट करके लेना है। तो दोनों तरफ से हम बटर लगाएंगे। पहले हमने पैन पर डाला ही है, इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा बटर लगा लेते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपीज़ पसंद आती है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि इस चैनल पर मैं हमेशा अच्छी अच्छी रेसिपीज़ अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। नीचे से सेकने के बाद हमें इसे टर्न कर लेना है और ऊपर की साइड भी हम अच्छे से सेक लेंगे। तो यहाँ पर मैंने जो पहले ब्रेड के स्लाइसेस रखे थे वो बनकर तैयार है, उसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं। और ये मैंने और 2 रखे हैं, तो इसे मैं दोनों तरफ से अच्छे से टोस्ट कर लेती हूँ। इसके दोनों साइड सेकने के लिए आपको टोटल 4 से 5 मिनट लगेंगे मीडियम फ्लेम पर। तो 10 मिनट में बहुत ही अमेजिंग सी डिश बनकर तैयार होती है। आप इसे स्नैक के टाइम पे या फिर चाय के साथ खा सकते हैं। इसे आप टमाटो केचप या फिर हरे धनिया की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं या फिर ट्रायंगुलर शेप में कट करके सर्व करें। तो बहुत ही अच्छी सी रेसिपी है ये और आप हमेशा इसे बनाकर खाओगे। तो आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।